स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12 यूपी बोर्ड की एक पोयम जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग को एक्सप्लेन करूंगा। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यह पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। यह 20वीं शताब्दी के अमेरिका के एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं और यह पोयम हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बेहद पसंद आई थी। और जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी तो उनके डेस्क पर यह कविता उनके हैंडराइटिंग में, उनकी हस्तलिखावट में पाई गई थी। तो आखिर इस कविता में क्या कुछ है जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इतना पसंद आया कि उसको इस कविता को उन्होंने अपने हैंडराइटिंग में लिखा। और इस कविता का भावार्थ समझने के बाद यदि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी के बारे में पता होगा, यदि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी के बारे में जानते होंगे तो आप खुद तुलना करके समझने का प्रयास करें कि क्या इस कविता के भावार्थ पंडित नेहरू के जीवन शैली और जीवनचर्या से मेल खाती है या महज दिखावा करने के लिए ऐसी स्थिति बनाई गई। Whose woods these are, I think I know. Woods का अर्थ है जंगल। ये जंगल किसके हैं? मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं। His house is in the village, though. उसका घर यद्यपि इस गांव में है। यह जंगल किसका है? मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं कि उसका घर यद्यपि इस गांव में ही है। He will not see me stopping here. लेकिन वह मुझे यहां रुकते हुए नहीं देख सकेगा। To watch his woods fill up with snow. मुझे उसके उस जंगल को देखते हुए नहीं जान सकेगा, नहीं देख सकेगा जिसमें कि बर्फ भरी हुई है। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though. यह जंगल किसका है? मैं उसे जानता हूं, मैं उसे सोचता हूं कि उसका घर इसी गांव में है, लेकिन मैं यहां रुककर बर्फ से भरे हुए जंगल को देखता हूं, इस चीज को वह नहीं जान पाएगा, नहीं देख सकेगा। My little horse must think it queer to stop without a farm house near. मेरा जो छोटा घोड़ा है वह भी थोड़ा सा विचित्र अनुभव कर रहा है जो मैं यहां रुका हूं, क्योंकि यहां पर कोई नजदीक में फार्म हाउस भी नहीं है। Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. और जब मैं यहां रुका हूं, जिस स्थान पे मैं रुका हूं वो एक जंगल है और बर्फ से जमा हुआ सरोवर है। फ्रोजन लेक मतलब बर्फ से जमी हुई सरोवर। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और जो समय है वर्ष की सबसे अंधेरी शाम है।
मेरा जो छोटा सा घोड़ा है वह भी थोड़ा मेरे इस व्यवहार से अनजाना सा अनुभव कर रहा है, क्वियरनेस होता है अनजाना, वो विचित्र महसूस कर रहा है कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों रुका हूँ जबकि यहाँ आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है। और मैं जहाँ रुका हूँ वह स्थान जंगलों और बर्फ से जमे हुए सरोवर के बीच का है। और तो और यह शाम वर्ष की सबसे अंधेरी शाम है। He gives his harness bell a shake। हार्नेस का अर्थ होता है घोड़े को सजाने के लिए जो उसको आभूषण पहनाए जाते हैं, तो घोड़े के आभूषण। वो अपने आभूषणों को हिलाता है, अपने आभूषणों की घंटी को हिलाता है, या ये कहिए कि वो अपने आभूषणों की घंटी को बजाता है टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए, यह जानने के लिए कि क्या कुछ गड़बड़ है जो आप यहां रुके हो। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग। इसके अलावा जो दूसरी आवाजें यहां पर हैं वह है हवा के धीरे धीरे बहने की और बर्फ के गिरने की। डाउनी फ्लैग का अर्थ होता है गिरता हुआ बर्फ। स्वीप ऑफ इजी विंड्स, धीरे धीरे बहने वाली हवा की। साउंड्स ऑफ द स्वीप ऑफ द इजी विंड्स, धीरे धीरे बहने वाली हवा की आवाज। तो यहां पे जो दूसरी आवाज है या दूसरी आवाजें हैं वह है हवा के धीरे धीरे बहने की और बर्फ गिरने की। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप। ये जो जंगल है वह बहुत ही प्यारा है, अंधेरा है, अंधकारमय है और बहुत ही गहरा है का अर्थ है कि बहुत ही विशाल है, लेकिन मुझे अपने वादे को रखना है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, लेकिन मुझे अपने वादे को रखना है जो मैंने अपने परिवार से किया था घर से जाते समय। अब मैं लौट रहा हूं और मुझे अपने वादे को रखना है। एंड माइज टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मिलो जाना है, मिलो की यात्रा करनी है। एंड माइज टू गो बिफोर आई स्लीप, इस लाइन को दोबारा लिखने का अर्थ है या दोबारा लिखने का भावार्थ है कि मुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है आखिरी विश्राम के पहले, अर्थ है कि मृत्यु आने से पहले। तो इस पूरे पोयम का भावार्थ या पूरी कविता का भावार्थ कुछ इस तरह से है कि यह जो संसार है, जंगल रूपी संसार जो है, यह किसका है मैं जानता हूं। वह हमारे बीच में ही है। यह संसार जिस ईश्वर का है वो हमसे अलग नहीं है, हमारे बीच में ही है। और इस संसार को देखने समझने का अर्थ है इस संसार में जो सुख का अनुभव होता है, इस संसार से जो हमें रस मिलता है, उस सुख को पाकर, उस रस को पाकर हम रुक जाते हैं, जीवन यात्रा में आगे नहीं बढ़ते। जबकि यह संसार दुखों से ही भरा हुआ है और जब हम रुकते हैं तो कोई ना कोई हमें चेताता है कि रुको मत, क्या बात है, क्यों रुक गए। इस दुख भरे संसार में अपने लक्ष्य को क्यों भूल गए। और यह जो संसार है मूल रूप से अंधकार में ही है, हमें प्रकाश की तरफ बढ़ना होता है। और यह संसार हमें बहुत प्यारा लगता है जबकि वास्तविकता कुछ और ही है। यह संसार हमें बहुत सुखद लगता है जबकि हमें इसकी वास्तविकता कुछ और ही जान पड़ती है।
हमें लगता है कि बस थोड़ा देर में हमें सुख मिल जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। और यह संसार बहुत विशाल भी है। इस विशाल दुख रूपी संसार में कभी कभी सुख के छींटे पड़ते हैं तो हम ठहर से जाते हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है अपने घर, अपने परमात्मा के यहाँ, उस शक्ति के यहाँ जिससे हम अलग होकर इस संसार में मूर्त रूप में हैं, वहां तक हमें पहुंचना है। और यह जो यात्रा है आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की, बहुत ही लंबी है, और मृत्यु आने से पहले मुझे यह यात्रा या हमें यह यात्रा पूरी करनी होती। अब यह पोयम पंडित नेहरू को क्यों पसंद आई? पंडित नेहरू कितने कर्मनिष्ठ या कितने योगी थे या कितने भोग विलास में संलिप्त थे, उनका जीवन कैसा था, यह आप जानते होंगे, या न जानते हो तो जानने का प्रयास करें, फिर तुलना करें कि क्या पंडित नेहरू के डेस्क पे यह पोयम का उनके हाथों से लिखा हुआ पाया जाना उनके जीवन चरित्र को दिखाता है या फिर महज दिखावा भर है।